15 दिन के बाद, आज तो लाठी लेके आए हैं, 15 दिन के बाद लाठी के हुड़ा से तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। सब जगह कैसे कुछ लुटा जाए, इसके लिए लोग परेशान हैं। कोई अधिकारी को तो काम से मतलब नहीं है। अब सब अधिकारी भाग गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब जनता आया, जनता मालिक और जनता आई ऑफिस पर, तो कर्मचारी रफू चक, अधिकारी रफू चक। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाशन लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज जो है वो जोरदार तरीके से क्रांतिकारी जो कांटी में जो भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है, उसको लेकर लगातार जो है इनका काफी जो है शानदार लोगों का जो है काफी समस्या था। ऐसे में सर हमारे साथ क्या कुछ ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीबों के साथ हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ ये हमारी आज की लड़ाई थी। और विशाल जुलूस निकला, समाज के सभी तबके के लोग अपने साधन से यहाँ पहुँचकर प्रदर्शन किए, तो ये तो साबित करता है कि भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। और हम तो आज कह दिया है कि 15 दिनों के अंदर में सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो 15 दिन के बाद, आज तो लाठी लेके आए हैं, 15 दिन के बाद लाठी के हुड़ा से तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, और अगर नहीं सुधरा तो फिर आगे कदम उठाएंगे। लगातार जो है काफ़ी समस्या जो है नल जल योजना और सरकारी जो भी योजना है उस पर काफ़ी समस्या तो स्वाभाविक है ना। यहाँ तो लूट खसोट का माहौल है, सब जगह कैसे कुछ लुटा जाए, इसके लिए लोग परेशान हैं। कोई अधिकारी को तो काम से मतलब नहीं है, कितना अधिक से अधिक कमीशन आ जाए ये उनकी प्राथमिकता है। तो ऐसे बेईमानों के खिलाफ ही तो हम लोगों ने सड़क पर आज आंदोलन और इसका श्री गणेश और आगाज किया। आज जो है कई अधिकारी जो रहते थे काम जो कहते थे कि काम करवा रहे हैं, सभी चीज़ कर रहे हैं, मगर आज जो है सर आपका जनसैलाब देखने के बाद गायब नजर आ। अब सब अधिकारी भाग गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब जनता आया, जनता मालिक और जनता आई ऑफिस पर, तो कर्मचारी रफू चक, अधिकारी रफू चक। तो ये तो बेईमान, ये तो बेईमान अधिकारी का ही पहचान है ना कि फेस नहीं कर पा रहा है। लोगों को फेस करना चाहिए और मैदान छोड़ के भाग गया तो बेईमान कर्मचारी का पहचान है ना। ढेमहा में भी कई समस्या था, जैसे कि बिजली का समस्या सर काफ़ी। ये दलित बस्ती में, ढेमहा में दलित बस्ती में हम ही ट्रांसफार्मर लगवाए थे और हजारों हजार रुपया दलित बस्ती में झोपड़ी वालों को बिल दे दिया है। लोग परेशान हैं, हमने बात किया है और आगे भी इस पर हम लोग बैठ के बात करके उसका निदान करेंगे। आगे सर आगे क्या अब पराब, अब अगले प्रखंड में, अब इसके बाद अगले प्रखंड की ओर पराब चलेगा। देख सकते हैं लगातार जो है हमारे साथ थे, इनसे बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो है काफ़ी जो है भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है और लगातार जो है आज जो है काफ़ी जो है गर्म जोशी के साथ जो है आज इन्होंने प्रखंड मुख्यालय में कूच की है। और आपको इनके बातों से क्या कुछ प्रतिक्रिया आप सामने दे रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाते जी, धन्यवाद। लाइक और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।